सत्यन चल समझते हैं। आप चल जाओ आप जाओ अभी आप जाओ समीर आ जाओ उनको आप जाओ भैया आप जा रहे चार हो गए क्या चार हो रहे आप प्रस्ताव जा आप तो जा सकते हैं तुम जाओ हम साहब बाद में चेंज कर लेंगे एक मिनट एक मिनट चेतन भैया थोड़ा सा सामने आओ ठीक है करें ठीक ओके जी डॉक्टर साहब आज आप आईडी नीचे रखूंगा जी डॉक्टर साहब आज आप फॉर्म भरने आए हैं अब आपकी क्या रणनीति रहेगी रणनीति मेरी कुछ भी नहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी था और आज नरेंद्र मोदी है शिवराज सिंह चौहान है कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है संगठन की अपनी रणनीति है उसी के अनुसार चुनाव लड़ा जाए यहाँ पर इतने वर्षों से कांग्रेस के विधायक जीतते आए हैं और अब जो ताकत जो आपको लगाना चाहिए किस प्रकार से क्या रहेगा मेरा आपके दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है जो मैंने दिया डॉक्टर साहब राजोर नागदा विधानसभा को लेके क्या विजन है आपका जिसको लेके आप आगामी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार की शिवराज जी के समय में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँच जाए इसके लिए रात दिन एक करूँगा और गरीबों की सेवा करूंगा। रोजगार के लिए खाचरोद क्षेत्र में जिस प्रकार से देखा जा रहा है लंबे समय से खाचरोद क्षेत्र रोजगार खाचरोद के विकास के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। डॉक्टर साहब पिछले कई वर्षों से नागदा को जिला बनाने की जो बात चल रही थी सारा विषय पब्लिक के सामने है जिस प्रकार से कल अमित शाह जी भी आए थे उन्होंने कहा था कि जो है प्रत्याशी को ना देखें बीजेपी पार्टी को देखें निश्चित रूप से ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है ये चुनाव भारत की विश्व स्तर पर अपनी पुरानी प्रतिष्ठा भारत के परम वैभव पर ले जाने का माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश इस बात का ये चुनाव है और इसलिए मुख्यमंत्री कौन होगा विधायक कौन होगा ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश की और देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी इस विषय को लेकर ये चुनाव है।